सो हेलो एवरीवन, तो गाइस आज की वीडियो में मेरे पास है काफ़ी कमाल की चीज़। तो गाइस इसे बोलते हैं पेल्टियर मॉड्यूल। तो गाइस ये काफ़ी कमाल की चीज़ होती है, ऑसम चीज़ है। इससे आप जो है 2 मिनट के अंदर अपने आइस जमा सकते हो। गाइस इसमें आप देख सकते हैं, एक जो ये वाला एरिया जहाँ पे लिखा हुआ है वो गाइस हॉट एरिया और ये वाला कोल्ड एरिया है। तो गाइस एक साइड से गर्म होता है और एक साइड से काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। तो गाइस इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए गाइस, हमें एक सीपीयू फैन चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीपीयू फैन जो है मैंने अपने सीपीयू में से निकाला है। ठीक है, अब जैसे कि देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता, आपको कहीं नहीं मिल रहा, तो आप अपने सीपीयू में से निकाल सकते हो अगर ख़राब हो तो। ठीक है, और गाइस मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये मतलब सीपीयू में किस जगह पर मिलेगा ये वाला एलिमेंट जो है। ठीक है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ जो इस साइड से खोल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक फ़ैन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर है उसके ऊपर एक फ़ैन दिख रहा होगा यहाँ पर आपको। तो आपको जो यही वाला फ़ैन चाहिए होगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ थोड़ा सावधानी से जो है तार को साइड करके ये देख सकते हैं, यहाँ पर इंटर का एक फ़ैन लगा हुआ है। तो इसको जो है हम निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हीट सिंक के साथ निकाल लेंगे। ठीक है, हीट सिंक के साथ हम इस फ़ैन को भी निकाल लेंगे यहाँ पर। सो गाइस आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है सीपीयू फैन निकाल लिया। ठीक है, आपको जो है थोड़ा साफ़ कर लेना है, क्योंकि आप वहाँ से निकालोगे या फिर कोई सेकंड हैंड यूज़ करोगे तो काफ़ी धूल जमी होती है, तो वो ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो आपको जो है इसे अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लेना है डिस्टिल वाटर से। तो फिर जो है अब हमें जो है जो इसकी हॉट वाला एरिया है जिस साइड से गर्म होता है पेल्टियर मॉड्यूल, आपको वो वाला साइड जो है यहाँ पर हीट सिंक के ऊपर चिपका देना है। ठीक है, अब लगाने के लिए गए थे यहाँ पे, वैसे थर्मल पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, पर हम जुगाड़ की मदद से यहाँ पे कोलगेट लगा देंगे। कोलगेट भी अच्छा काम करेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोलगेट है मैं इस पर हल्का सा लगा दूंगा ताकि थर्मल कंडक्टिविटी जो है काफ़ी अच्छा हो, यहाँ पर हीट काफ़ी अच्छा ट्रांसफ़र हो, है ना। तो इसको अच्छे से हम पहले फैला लेंगे ताकि हर जगह से हीट अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र हो, और इसे हम अच्छी तरीके से हम चिपका देंगे। ठीक है, तो चिपकाने के बाद गाइस अब जो है हम बात कर लेते हैं इसकी पावर सप्लाई के लिए। तो गाइस यहाँ पावर सप्लाई वैसे तो हमें जो है 12 वोल्ट 6 एम्पीयर की चाहिए, क्योंकि ये जो पेल्टियर मॉड्यूल है 6 एम्पीयर का, लेकिन गाइस हमारे पास जो 12 वोल्ट 3 एम्पीयर की सप्लाई है, पर देखते हैं उससे हो सकता है वर्क कर जाइए, लेकिन ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे पास जो सप्लाई है 12 वोल्ट AC सप्लाई आउटपुट करेगा 3 एम्पीयर की, बट काम हो जाएगा। मैं एक छोटा सा फिल्टर बना रखा है मैंने इसके लिए, 4 डायोड और एक कैपेसिटर के थ्रू। तो ये इसकी इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक है, तो चलिए फिर इसे रख देते हैं साइड में और इसे कनेक्शन अब हम कर देते हैं। तो पेल्टियर मॉड्यूल का जो कनेक्शन है हम इसे कर देते हैं इसे अपनी पावर सप्लाई से। तो ये जो मैंने फ़िल्टर यहाँ पे बनाया था, तो उस फिल्टर में जो है मैं यहाँ लगा दूंगा। ये फ़िल्टर दरअसल का जो है सिंपली AC को सिर्फ DC में कन्वर्ट करने के लिए है। ठीक है, तो यह नेगेटिव वाला वायर मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, अब ये वाला भी वायर जोड़ देता हूँ इसके अंदर में। ठीक है, सो मतलब पेल्टियर कनेक्शन पूरा हो चुका है। तो अब गाइस जो फ़ैन है इस फ़ैन को भी हम पावर दे देते हैं कहीं से। 12 वोल्ट का फ़ैन है तो हम इस सप्लाई में नहीं जोड़ूंगा, किसी और सप्लाई में जोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी इससे काफ़ी ज़्यादा लोड होगा, तो इसको भी मैं जोड़ देता हूँ, फिर हम चालू कर देते हैं इसे। सो गाइस फाइनली जो है मैंने यहाँ पर फ़ैन की भी सप्लाई जोड़ दी है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं फ़ैन जो यहाँ पर चालू है। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, फ़ैन भी मतलब कूलिंग सिस्टम भी एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ऊपर से हल्की फुल्की हीट कर रहा है, वो मतलब कूलिंग कर रहा है, वैसे तो कूलिंग कर रहा है बट थोड़ा कनेक्शन हिल रहा है, तो उसे मैं थोड़ा टाइट कर लूँ। ठीक है, तो अब हल्का हल्का हीट सिंक भी हॉट हो रहा है, बट जो फ़ैन है सारा मामला संभाल रहा है और काफ़ी ठंडा हो रहा है वैसे, मतलब आगे पानी जम रहा है उसके ऊपर, कुछ ओस सी जम रही है इसके ऊपर, मतलब काफ़ी अच्छी कूलिंग कर रहा है फ़िलहाल तो। बस देखते हैं, क्या पता माइनस में टेम्परेचर जाए तभी मज़ा आएगा, वैसे तो कि वैसे तो कोई बात नहीं हुई ना, तो ठंडा तो कर रहा है। चलिए आपको मैं काफ़ी पास से जान दिखाता हूँ कि ये ठंडा कर रहा है कि नहीं कर रहा, ताकि आपको यकीन हो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो भाई इसमें जो है आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप मतलब इसको इसका जो कूलिंग सिस्टम है आप जितना अच्छा रखोगे ये उतनी अच्छी यहाँ पे ऊपर कूलिंग करेगा। ठीक है, मतलब जो नीचे हॉट वाला एरिया है उसे आपको बिल्कुल हॉट नहीं होने देना है। ठीक है, वरना फिर जो है यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, थर्मल जो कंडक्टिविटी है वो उसके थ्रू जो है ऊपर और नीचे सब जो है कट हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, नीचे से आपको ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है इसे। तो आप ये देख सकते हैं जो इसके ऊपर काफ़ी हल्की हल्की पानी की बूंदें जो है जमा हो रही हैं इसके ऊपर, बट माइनस पे टेम्परेचर आई थिंक नहीं गया इसका। और मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे कोई झोल झाल नहीं करा, मतलब सप्लाई वही परफेक्ट मैंने दे रखी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये रही हमारी सप्लाई 12 वोल्ट की। तो
तो यहाँ से इस फिल्टर में जा रही है, फिर फिल्टर के थ्रू जो है यहाँ पर हमारे पेल्टियर मॉड्यूल में जा रही है। मैंने कोई छोल झाल नहीं करा, परफेक्टली वर्क कर रहा है फ़िलहाल। तो हल्का हल्का पानी भी इस पर जमा हो रहा है, बट आइस नहीं जम रही, क्योंकि 3 एम्पियर की सप्लाई, अगर 6 एम्पियर या 10 एम्पियर की होती तो बहुत ही अच्छा वर्क करता, ठीक है। इसमें मेन दिक्कत होती है सप्लाई की, 6 एम्पियर की सप्लाई नॉर्मली हर जगह यूज़ नहीं होती। 6 एम्पियर की नॉर्मली जो सप्लाई होती है गाइस, मतलब हमारे चार्जरों में ऐसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर उससे ज़्यादा की सप्लाई नहीं होती, बट अगली वीडियो में काफ़ी अच्छा जो है सो गाइज, ये वीडियो सप्लाई। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइज जो है इसका मैं पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ। गाइज पार्ट 2 में ये गाइज काफ़ी कमाल का वर्क करेगा, क्योंकि गाइज मैं 6 से 10 एम्पियर की सप्लाई का जुगाड़ कर लूँगा कहीं से। तो गाइज इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुँच जाए। तब तक के लिए